एनसीईआरटी गणित की सीरीज हम लोग एक एक अध्याय को पढ़ेंगे और बेसिक्स से गणित की तरफ बढ़ेंगे। और आप लोग गणित की सेशन में पूरे अंत तक बने रहिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर गणित सीखना है तो एनसीईआरटी की गणित हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज कल हम बात करते हैं एनसीईआरटी जो गणित है ये क्लास सिक्स की है या कक्षा छः की एनसीईआरटी की मैथ है। और अध्याय की बात करें तो पहला अध्याय है अपनी संख्याओं की जानकारी, माने संख्या से जुड़े हुए तथ्यों पर आज इस सेशन में हम बात करेंगे। और इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा और जहां जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोशिश करेंगे इस गणित की सीरीज में आप खुद अपना नोट्स भी बनाते चलिएगा, क्योंकि प्रश्न के साथ साथ हमें गणित के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना है और गणित को एकदम आसान बनाना और गणित के सवालों को ज्यादा सही करना है, तो आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले आते हैं, पहला अध्याय है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो संख्या किसे कहते हैं, इस सब प्रश्न का जवाब आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके दीजिएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल हो ना हो लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। कह रहा है वो गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने मापने नामकरण करने के लिए किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। माने वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, हम संख्या कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, मतलब वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने के लिए मापने के लिए नामकरण के लिए किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अगर अंकगणित की बात करें तो अंकगणित में कुल 10 संख्याएं, अंकगणित में कुल कितनी है, 10 संख्याएं हैं, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक कुल 10 संख्याएं। इनमें अगर हम बात करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इन्हीं से मिलकर सभी संख्याओं का निर्माण होता है। वे इनकी मदद से बड़ी बड़ी संख्याएं बनती हैं। शून्य को पूर्ण संख्या माना जाता है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तो आपका कॉन्सेप्ट और बढ़िया से और अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोगों ने देख लिया कि शून्य को पूर्ण संख्या माना गया है। शून्य जिस संख्या के पीछे लग जाता है उस संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाता है। माने शून्य जिस संख्या के पीछे लग जाता है उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। इस वीडियो सेशन में, इस वीडियो सीरीज में हम उस तथ्य को भी देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। अगर देखिए 2 के पीछे लगने से 20 हो जाता है, 5 के पीछे लगने से 50 हो जाता है, 10 के पीछे लगने से 100 हो जाता है, लेकिन 10 के पीछे अगर 2 लग जाए तो 1000 हो जाता है, और 20 के पीछे 3 लगने से ये 20000 हो जाता है। तो हमने देखा कि प्रत्येक जीरो जो होता है लगने के बाद उसके मान को 10 गुना बढ़ा देता है। और आगे चलते हैं, अब संख्या को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। अब संख्याओं की तुलना, संख्याओं की तुलना के बारे में हम लोग जानेंगे। संख्याओं की तुलना हम कैसे करते हैं, जैसे ये 2 है और ये 3 है, तो हमें जानते हैं कि 2 में 2 वस्तुएं होंगी और 3 में 3, और 4 की तरफ बढ़ेंगे तो 4 है। तो संख्याओं की तुलना कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है इससे विभिन्न प्रकार के आकलन से ज्ञात कर सकते हैं। जो विभिन्न प्रकार का आकलन होता है उसके माध्यम से हम ये ज्ञात कर पाते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है बड़ी है बराबर। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि किस प्लेट में ज्यादा लड्डू है, ये पिंकी के पास है लड्डू, ये छोटू के पास है। पिंकी के पास 11 मिठाई है, छोटू 10 मिठाई है। अब आप बताइए किसके पास ज्यादा मिठाई है, 10 या 11, कमेंट करके बताइएगा। ये बच्चों वाली गणित है और आपको लग रहा है ये तो बच्चों वाली गणित है। तो यहाँ पे संख्याएं दी गई, मैं आपको छोटा बड़ा बताना है, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें पूछा जाए तो बड़ी संख्या कौन है छोटी संख्या कौन सी है। तो प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो आप इसे आसानी से ज्ञात कर लेंगे कि भैया सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आप कॉमेंट करके बताइएगा, एकदम आसान सा है। अब इसमें सबसे बड़ी 4536 है, 4892 है, और 4370 है, और 4492। जो बड़ी संख्या है उसे हम क्या करते हैं, गोला कर देते हैं। सबसे बड़ी क्या है इसमें 4800 है, सबसे बड़ी 4892 है, और सबसे छोटी जो है 4370। आप यहाँ पे देख पाएंगे, इसी तरह इसमें भी आपको बताना है सबसे बड़ी सबसे छोटी सबसे बड़ी सबसे छोटी, वैसे सबका उत्तर भी यहाँ पे आपके सामने स्पष्ट, मतलब सबका आंसर भी नीचे दिया गया है। उचित क्रम में खड़े होना, उचित क्रम में खड़े होना, आप जब हम प्रेयर में खड़े होते हैं या कहीं जाते हैं तो कहते हैं जो पहले है वो पहले खड़ा होगा, जो बाद में उसके पीछे लगेगा लाइन में, हमारे दैनिक जीवन में ऐसा कई बार होता है। लेकिन जब हम स्कूल में होते हैं कहते हैं उचित क्रम में खड़ा हो, सबसे छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा, वही कह रहा है इसमें सबसे छोटा कौन है, इसमें सबसे लंबा कौन है। इस तरह के सवाल हमें पढ़ने और जानने को दैनिक
जीवन में भी देखने को मिलता है। बच्चे जब कक्षा कक्ष के अंदर होते हैं, क्लास के बाहर होते हैं, जब प्रेयर कराना होता है तब भी हमें ऐसा मिलता है। अगर से पूछा जाए कि देखिए इसमें सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है, वैसे हम तो साइज देख के बता पाते हैं, लड़के बच्चे अनुमान लगाते हैं, हम लोग भी अनुमान लगाते हैं, लेकिन गणित कहता है हम इसके माप के आधार से राम अहिर 160 सेंटीमीटर का है, डोली जो 154 सेंटीमीटर की है, मोहन 158 सेमी का है, सस 164 सेमी का है। अब अगर पूछा जाए इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, इन्हें छोटे से बड़ा क्रम में लगाइए या बड़े से छोटे के क्रम में लगाइए, इसे हम आरोही और अवरोही के नाम से जानते हैं, ठीक है, छोटे से बड़े, फिर उससे बड़ा अवरोही, सबसे बड़ा, उससे छोटा अवरोही, मैंने आरोही और अवरोही। अगर इसे हम लोग समझना होगा तभी हम एक लाइन आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं, आगे इसे इसको पढ़ने के आपको मिलने वाला है। एक लाइन में अगर हम इसे समझे तो ये हो गया हमारा आरोही, हो गया आर हो गया। और अगली पल अगर हम इसे देखें, सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये हो गया हमारा और हो गया, ये हो गया हमारा और, ठीक, ये क्या है हमारा और ही है, ये हमारा क्या है आर हो गया, ठीक है। तो यही कर सकते हैं, तो यह भी आपको अभी आगे सीखने को पढ़ने को मिलने वाला है। क्या इनमें इनकी लंबाइयों के बढ़ते हुए क्रम में खड़ा कर सकते हैं, आप इनके बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में इन्हें खड़ा कर सकते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं, इस पर आपका समय गंवाना सही नहीं है। यहाँ पे दिया है कि इसमें डॉली सबसे छोटी है, रामा ही सबसे लंबा है, ठीक है, ये तो आप ऊपर समझ गए थे। अब यहाँ पे एक बात और कह रहा है भाई, जिसकी मैं ऊपर बात कर रहा था, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। यदि संख्याएं एक या दो अंकों की होती है तो देखकर बता सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी, अगर संख्या एक अंक या दो अंक की होती है तो उसे आसानी देखकर बता सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या इसमें बड़ी है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि यदि किसी संख्या में अधिक अंक हो तो अंकों की सब संख्या के आधार पर तुलना की जा सकती है, तुलना के जैसे संख्या के आधार पर, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम इस टॉपिक का, ये अगर से पूछा जाए बड़ा कौन है, इसमें अंक ज्यादा, इसमें अंक कम है, तो ये आप समझ गए कि सर ये तो पहले ही बड़ा है। एक बार छोटी संख्या होती है, जैसे अगर दे दिया जाए कि कौन सा बड़ा, सर ये बड़ा है, छोटी संख्या तुलना कर लेंगे, बड़ी संख्या पे हम अंकों के आधार पर, संख्याओं के आधार पर कर सकते हैं, ठीक है। यदि संख्या में अंकों की संख्या समान हो तो सर्वप्रथम बाएं तरफ से अंकों की तुलना करेंगे, ठीक है, हमेशा क्या करते हैं हम बाएं तरफ से इसकी तुलना करते हैं, अगर अंक समान है तो, जैसे चार अंक इधर भी, चार अंक उधर भी, और जिस संख्या का प्रथम बाएं अंक का मान अधिक होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी। इस पर भी हम आगे एग्जांपल लेके देखने वाले हैं। आगे हम देखेंगे संख्याओं के क्रम। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर को देख लीजिए, इसी को हम आरोही क्रम कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम आरोही क्रम कह रहे हैं, देख रहे हैं पहले क्या है इसमें, ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखो, पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इसे हम कहते हैं आरोही क्रम, ये क्या हो गया आरोही क्रम, इसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, क्या कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। फिर नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ये इसका थीम, ठीक, देखिए उसका उल्टा है, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आरोही क्रम हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, इसे कहते हैं आरोही क्रम। तो ये आरोही क्रम हो गया, ये अवरोही क्रम हो गया, ये स्पष्ट समझ में आ गया। आगे हम लोग देख सकते हैं ये, अब देखिए पहले एक है, एक से बड़ा दो है, दो से बड़ा तीन है, तीन से बड़ा चार, तो ये जो क्रम है उसे ही हम आरोही क्रम कहते हैं, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, अब इसे देख पा रहे हैं, अर्थात जब भी दिए हुए अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो आरोही क्रम होता है, जब संख्याओं की सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या की व्यवस्थित किया जाता है संख्याओं का समूह आरोही क्रम कहलाता है, जैसे ये है, देख रहे हैं बढ़ता हुआ, एकदम सीधा बढ़ता हुआ जा रहा है, ये हमारा कौन सा क्रम हो गया, ये हमारा आरोही क्रम हो। अब अगर इसे आरोही क्रम में लिखने दिया जाए, इसे 5, 7, 4, 2, 1, 6, इसे कहा जाए आरोही क्रम में, सबसे छोटी पहले एक लिखेंगे, दो लिखेंगे, 4, 5, 6, 7, ये हो गया आरोही क्रम, समझ में आ गया ना, सबसे छोटे से बड़ा की तरफ। अब इसका ठीक उल्टा अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम भी क्या कह रहा है, अब इसको भी हम लोग समझते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक भिन्नों को घटते हुए क्रम में सजाया जाता है तब भिन्न को इस क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं, अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, अंत में जो होती है सबसे छोटी होती है, इसे अवरोही क्रम, या देखिए यहाँ पे लिखा है अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, देख रहे हैं 4
तीन दो एक, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और वही क्रम कहते हैं। अंकों का स्थानांतरण इस तरह करते हैं, दो आठ एक में पहले सबसे, दो आठ एक है, इसे अगर आपको अवरोही क्रम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसमें भी अवरोही क्रम में लिखना हो, सबसे बड़ा, उससे छोटा, सबसे छोटा। आरोही क्रम में लिखना हो, आरोही में, तो इसमें क्या होगा? पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से लिख सकते हैं। अंकों का स्थानांतरण का मतलब है एक संख्या के स्थान पर दूसरी संख्या को रखना। अंकों का स्थानांतरण करने का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए अंकों का स्थानांतरण, अभी तो हम इस पे आरोही आरोही समझ रहे थे। अंकों का स्थानांतरण करने का मतलब होता है कि एक संख्या के स्थान पर दूसरी संख्या को रख देना। देख रहे हैं, संख्या को बनाना। अब संख्या को कैसे बनाते हैं? संख्याओं को बनाने के लिए हमें संख्याओं को जोड़ना होगा। संख्याओं को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? संख्याओं को जोड़ना होता है। कैसे जोड़ते हैं? जैसे यहाँ पे देखिए तीन है और ये दो है, और तीन और दो मिलकर कितने हो जाएंगे? पांच। कैसे? देखिए एक दो तीन चार और पांच, कुल कितने हो गए? पांच हो गए। ऊपर तीन था, नीचे दो था, मतलब इस तरह अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर हमने क्या देखा? ये तीन है, यहाँ देखिए एक दो तीन चार पांच, कितने हो गए? पांच। हमने यहाँ पांच लगा दिया, यहाँ पर क्या हो गया? तीन प्लस दो, हम कितने देखा कि तीन प्लस दो बराबर कितने हो गए? पांच। यहाँ पर ऐसे भी जोड़ सकते हैं, तीन प्लस दो बराबर कितने हो गए? पांच। ठीक, कितने हो गए? पांच। तो ये कह रहा है संख्याओं को कैसे हम बनाते हैं, ये वो बता रहा है। आगे है कि संख्याओं को जोड़ने का एक तरीका है, ठीक है। संख्याओं को जोड़ने क्या होता है? एक तरीका होता है, अर्थात आप सबसे बड़ी संख्या के ऊपर की तरफ गिनती शुरू करते हैं और योग प्राप्त करने के लिए एक एक करके सबसे छोटी संख्या गिनते जाते हैं। यदि आप जोड़ में मन में कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अक्सर जोड़ने का यह सबसे अच्छा तरीका होता है। वैसे जैसे यहाँ पे है दो तीन चार पांच छह, अगर इसमें सबको जोड़ा जाए तो पंद्रह आ रहा है। कैसे जोड़ा? तीन दो पांच, पांच चार नौ, नौ पांच चौदह, और चौदह छह क्या हो गया? अब ऐसी चार संख्या को जोड़िए जिसका योग क्या हो? पंद्रह है। इसमें ऐसी चार संख्या जोड़िए जिसका योग क्या है? पंद्रह है। जरा आप लोग बताइए कैसे आप इसको जोड़ेंगे, इसका योग यहाँ पर टोटल पंद्रह है। तो हम देखते हैं कि तीन दो पांच छह चार दस, ऐसे जोड़ सकते हैं ना, दो धन तीन धन चार धन छह बराबर कितने हो गए? पंद्रह। तो इस तरह से आप हम जोड़ पाएंगे, ठीक है। ऐसे भी जोड़ सकते हैं केवल इन तीनों को, पांच चार नौ, नौ छह पंद्रह, के यहाँ पे एक दो तीन चार अंक में जोड़ना था। अगर तीन अंक में जोड़ना होता तो हम केवल पांच चार नौ छह पंद्रह कर सकते थे। इस तरह से एग्जांपल है, एक अंक की संख्याओं को जोड़कर दो अंक की संख्या भी बनाया जा सकता है। मतलब एक एक अंक की संख्या को जोड़कर हम इसे दो अंक की संख्या बना लेते हैं, जैसा कि ऊपर हमने एग्जाम्पल में देख लिया कि देखिए दो तीन को जोड़ दिया और चार और छह को जोड़ दिया, तो एक एक अंक की संख्या को जोड़कर हम दो अंक की संख्या प्राप्त कर लेते हैं, जो हमें इकाई और दहाई के रूप में प्राप्त होती है, माने पांच इकाई एक दहाई। अब यहाँ पे दिखा है, अगर हम अट्ठावन सौ पांच हजार आठ सौ इकतीस है, आठ हजार पांच सौ इकतीस है, तीन हजार एक सौ अठावन है, तीन हजार आठ सौ इक्यावन आदि, इस प्रकार कुल चौबीस संख्या प्राप्त की जा सकती है। मतलब इसी संख्या को अगर आगे पीछे ऊपर नीचे करके लिखें तो हम क्या कर सकते हैं? इस प्रकार हम चौबीस संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ये हो गया संख्या बनाने का तरीका हो गया। जीरो का महत्व, जीरो का महत्व कैसे समझेंगे? अगर आपके पास पांच रुपए था, पांच रुपए गिर गए तो आपके पास कितने बचते हैं? जीरो। आपके पास दो गुब्बारे थे, दोनों फूट गए, आपके पास कितने गुब्बारे बचे? कुछ नहीं, उसी को कहते हैं जीरो। जीरो का गणित में महत्व काफी बहुत ज्यादा है, लेकिन गणित में जीरो को समझना बहुत जरूरी है। अंग गणित में जीरो अद्भुत है, अंग गणित की बात करें तो जीरो अद्भुत है। अकेला हो तो कोई मूल्य नहीं, अगर इसे अकेले छोड़ दिया जाए इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं, लेकिन इसके पहले एक लग जाए तो जीरो का उसका मूल्य बढ़ाते चले जाते, मतलब उसके सामने अगर कोई संख्या लग जाती है, ठीक है, तो इसका मूल्य क्या होता है? बढ़ता जाता है। ये जिसके पीछे लगता है उसकी वैल्यू को दस गुना बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे आपके पास एक रुपया है, अगर उसमें जीरो बढ़ा दे कितने हो गए आपके? दस रुपए हो गए, ठीक है। बीज गणित हो या रेखा गणित हो, ज्योमेट्री में जीरो का वह स्थान है जहां से जरा सा भी हिले तो धनात्मक या ऋणात्मक भाव पैदा हो जाता है। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, अलजेब्रा की बात करें, माने बीज गणित हो या रेखा गणित हो, थोड़ा सा रास्ता भटक गया तो ऋणात्मक और धनात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगे। ज्योमेट्री में ये सबसे बड़े कोण को बनाता है, ज्योमेट्री की बात की जाए तो सबसे जो बड़ा कोण बनाता है। भौतिक में इसमें सबसे अधिक ऊर्जा जमा होती है,
समझने वाली बात है कि ज्योमेट्री में सबसे बड़े कोण को बनाता है, एंगल को बनाता है, सबसे बड़ा कोण बनाता है। भौतिक में इसमें सबसे अधिक ऊर्जा भी जमा होती है, तो जीरो का महत्व भी काफी महत्वपूर्ण है। वैसे आप जीरो के बारे में क्या समझते हैं, क्या समझ रहे हैं, इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हाँ, ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र में, मुझे जब भी समय मिलता है मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आता रहता हूँ, आगे भी लेकर आता हूँ। आगे कह रहा है इकाई दहाई गिनती। अब अगर इकाई दहाई गिनती की बात करें तो एकदम साफ आपको स्पष्ट नजर आ रहा है, एक इकाई मन एक अंक है, दहाई में दो अंक हो गया, सैकड़ा में तीन, हजार में चार, दस हजार में पांच, लाख में छह, दस लाख में सात। तो ये हो गया इकाई। अब इसमें देखिए, ये इकाई है, ये दहाई है, इसमें इकाई दहाई और ये सैकड़ा हो गया। तो इसको अगर हम लिखना चाहे तो इस तरह से लिखेंगे, आगे आपको मिलने वाला है। ये हो गया आपका क्या, इकाई हो गया, ये हो गया आपका इकाई, और ये हो गया आपका दहाई। सेम पैटर्न आगे बढ़ेंगे, इकाई दहाई और सैकड़ा, सेम वही है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इस तरह दस हजार लाख की तरफ हम लोग क्रम से बढ़ते जाएंगे। इस तरह हमने देखा कि जिस तरह हम नीचे की तरफ जा रहे हैं जीरो बढ़ता जा रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, दस हजार लाख, दस लाख करोड़, दस करोड़, दस करोड़ अरब। तो यहां पर हम देख रहे हैं, आप भी देख पा रहे हैं किस तरह से हम लोग, दिख रहा है आपको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, दस हजार लाख, दस लाख करोड़, दस करोड़ अरब। इस तरह से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भैया एक अरब में कितने जीरो होते हैं, कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि एक अरब में कितने जीरो हैं, दस करोड़ में कितने जीरो हैं, इस तरह। ठीक है, दस लाख को एक मिलियन कहा जाता है, ये भी आगे हम उसे पढ़ेंगे, ये कितना हो जाता है, दस लाख बराबर एक मिलियन होता है, ये एक मिलियन के बराबर होता है। किसी संख्या का निकटतम पूर्णांकित करना, किसी संख्या के लगभग मान जो होता है उसे हम निकटतम मान कहते हैं। जैसे अगर आपके पास 52 रुपये है तो कहा जाता है कि कितना होगा, तो कहते हैं लगभग 50 रुपया बचा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, निकटतम या सन्निकट मान के नाम से जानते हैं। अगर यहां पर एक सवाल है एक छोटा सा, 892 का निकटतम क्या है, किसके आसपास है, माने वह संख्या किसके नजदीक है, तो वह क्या हो जाएगा, 900 के नजदीक है। 890 से ज्यादा 892, अगर 890 हो गया, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 900। तो इस प्रकार हमने देखा 892 का जो सन्निकट होगा वो 900 होगा। दी गई संख्या का दहाई का अंक देखना होता है, यदि दहाई का अंक 5 से कम है तो दहाई और इकाई में प्रत्येक अंक को 0 से बदल लेंगे और अन्य अंकों को वैसे ही रखेंगे। यदि दहाई का अंक 5 या अधिक है तो सैकड़ा को 1 बढ़ाएंगे और प्रत्येक अंक को उसके दाईं ओर बदलेंगे। आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे और समझेंगे। यहां से समझिएगा, यदि दी गई संख्या का दहाई का अंक देखना है, जैसे यहाँ पे था, ये था 892, देखिए संख्या का दहाई का अंक देखिएगा कितना है, 9 है। यदि दहाई का अंक 5 से कम है तो दहाई और इकाई के प्रत्येक अंक को 0 में बदल दें। जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जैसे यहां पर 744, ठीक है, देखिएगा 744 हमें पकड़ना है दहाई का अंक। दहाई का अंक क्या है, 5 से कम है कि ज्यादा। अब वही कह रहा है कि दी गई संख्या का पहले दहाई का अंक देखिए, यदि दहाई का अंक 5 से कम है, 5 से देखिए कम 4 है, तो इसमें क्या करिएगा, इकाई के प्रत्येक अंक को 0 से बदल देंगे। दहाई और इकाई का जो प्रत्येक अंक है इसे क्या करेंगे, 0 से बदल देंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा, इसके दोनों अंकों को बदल देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, ये 700। मतलब इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा, किंतु अन्य अंकों को वैसे ही रख देंगे जैसा कि है। अगर 5 से कम है तो क्या करेंगे, अन्य अंक जैसे वैसे रख देंगे, तो निकल गया 744 का जो सन्निकट मान है, जो निकटतम मान है वो आपका 700 हो गया। दूसरी तरफ कह रहा है कि यदि दहाई का अंक 5 अधिक है तो सैकड़े को 1 बढ़ाएंगे और प्रत्येक अंक को उसे दाईं ओर 0 बदल देंगे। जैसे 892 है, इसके दहाई का अंक जो है वो 9, 5 से ज्यादा है, तो हम करना क्या है, इसके सैकड़े की तरफ बढ़ेंगे, किसकी तरफ बढ़ेंगे, सैकड़े की तरफ 1 बढ़ा देंगे। 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 9, और इन दोनों को हम 0 में बदल देंगे, तो 892 का
जो सन्निकट मान है वो हमें कितना मिल जाएगा, वो 900 मिल जाएगा। कितना मिल गया? 900। तो यहां पर हमें दहाई के अंक से चलना है, अगर 5 से ज्यादा है तो सैकड़ा में 1 जोड़कर बाकी संख्या को 0 बदल देंगे। अगर दूसरी तरफ हम अगर 5 से कम है तो उसमें क्या करेंगे, इकाई और दहाई के स्थान पर 0-0 कर देंगे। एक एग्जांपल हम और आपसे लेते हैं, उसका सन्निकट मान ज्ञात करना है। जैसे अब अगर इसका सन्निकट मान ज्ञात करना हो 3737 का, हम किसके तरफ जाएंगे, दहाई की तरफ। दहाई की तरफ देखा 3 है, ये 5 से कम है तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका जो सन्निकट मान होगा वो हो जाएगा 34 के बाद इन दोनों को 00 में बदल देंगे। लेकिन उसी तरफ अगर हम देखें 5 है या 5 से अधिक, ये देखिए एक संख्या 83467 है, हमें क्या करना है, दहाई के अंक पर जाना है। दहाई के अंक कितना है, 6 है। तो जब दहाई के अंक क्या होगा, 5 से ज्यादा है तो सैकड़े अंक को हम एक बढ़ा देंगे। जब बढ़ाएंगे इसका जो सन्निकट मान है वो क्या हो जाएगा, ये पहले 83 हो जाएगा, ये सैकड़ा क्या है, यहाँ पे 4 है, एक जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, इन दोनों को 0 में बदल देंगे। इन दोनों क्या करेंगे, 0 में, याद रहे इकाई दहाई दोनों 0 में बदलेंगे। लेकिन अगर 5 से ज्यादा है सैकड़ा एक बढ़ जाएगा, और अगर 5 से कम है तो सैकड़ा 0 का त्योग रहेगा। बस इतना जानना है, इकाई दहाई हमेशा 0 में बदल जाएंगे। ये हमारा हो गया सन्निकट मान। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गया है तो लिखते भी चलिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना जरूरी है। एक वैसे सवाल मैं और दे देता हूं, आप अपने मन से करिएगा। इसका 376594 का सन्निकट मान क्या होगा, ये जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये था, देखिए यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, ये जो सन्निकट मान निकाल रहे हैं ये 100 तक है, ये किसी संख्या के 100 तक का सन्निकट मान निकालना है। इसलिए अच्छा मेरा जो एग्जांपल था वो 2 अंक का होना चाहिए था। अच्छा देखिए फिलहाल मेरा जो एग्जांपल था ये 100 तक का सन्निकट मान था, कितने तक का था, 100 तक का। जैसे वैसे मुझे इस तरह से देना चाहिए था आप लोग को 884 का सन्निकट मान क्या होगा। यहाँ देखिए दहाई अंक 5 से ज्यादा है तो सैकड़ा में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 900 रुपये, क्या हो जाएगा 900। अगर वही पे हो जाएगा 437, अब यहाँ पे क्या है 5 से कम है दहाई अंक तो क्या करेंगे, इसके स्थान पर 00 कर देंगे, तो ये हो गया सन्निकट मान। तो ये हम जो पढ़ रहे थे ये 100 का था, सैकड़ा तक था, लेकिन अब 1000 तक चल रहे हैं, अब 1000 तक चल रहे हैं, प्रक्रिया वही है। अब किस संख्या के निकटतम 1000 तक पूर्णांकित करना है, 1000 तक उसका सन्निकट मान निकालना है। तो दी गई संख्या के सैकड़ा अंक देखिए, और सैकड़ा अगर 5 से कम है तो सैकड़ा। अब यहाँ पे देखिए, अब हम 1000 की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे मुझे एग्जांपल के तौर पे जो था वो 100 में था, अब हम 1000 की तरफ अगर निकालना है उसके लिए क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे दिया है 3764। अब हम इसमें क्या देखना है, इसमें सैकड़ा देखना है, सैकड़ा कहाँ पे, ये इकाई दहाई सैकड़ा है। अब सैकड़ा 5 से ज्यादा है, अगर 5 से ज्यादा है तो 1000 में क्या करेंगे, प्लस 1 ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 1 जोड़ देंगे, प्लस 1 इसमें जोड़ देंगे। जब प्लस 1 जोड़ेंगे तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, इसका सन्निकट मान जो है वो 3 का 4 हो जाएगा, इन सब के जगह 0-0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका सन्निकट मान 4000 हो जाएगा। मान यदि सैकड़ा 5 से कम है तो सैकड़ा दहाई इकाई के अंक में प्रत्येक को 0 में बदल देंगे। अच्छा ये मैंने ज्यादा के लिए बता दिया है, यदि सैकड़ा 5 या अधिक है तो 1000 मान वाले को एक बढ़ाएंगे और प्रत्येक अंक को उसके दाईं ओर 0 बनाएंगे। आइए इसको पहले फिर से मैं एग्जांपल के मेथड से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे ये मान लेते हैं पहला वाला जो बता रहा है वो इस तरह से कर रहा है, अब देखिए इस संख्या का सन्निकट मान ज्ञात करना है, 4398 का सन्निकट मान ज्ञात करना है, और 1000वें स्थान पर, 1000वें स्थान पर चलेंगे तो देखिए निकटतम संख्या 1000 तक पूर्णांकित करना है, 1000 तक का। तो सैकड़ा क्या है, इसमें 3 है, 3 क्या है, 5 से कम है, तो जब 5 से कम होगा तो हम क्या करेंगे, इसे ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, 4 को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, इसको हम ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। ठीक है, कौन से किस मान को हम बात कर रहे हैं, 1000 वाले, बाकी के स्थान पर हम 0-0 लिख देंगे। ये हो गया हमारा पहला नियम, ये पहले का हो गया। दूसरे के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सैकड़ा का मान देखेंगे,
छह है, ये पांच से ज्यादा है, तो बगल में जो हमारा हजार होगा उसमें प्लस एक कर देंगे तो हो जाएगा छह, बाकी को हम जीरो जीरो में बदल देंगे। इसका जो सन्निकट मान है वो हो जाएगा 6000, 5639 का सन्निकट मान क्या हो जाएगा 6000 हो जाएगा। इस तरह हम हजार के अंकों का सन्निकट मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। इसके पहले हमने 100 के सन्निकट मान को ज्ञात किया। योग या अंतर का अनुमान लगाना, छोटी संख्या का चयन, अगर इसमें पूछा जाए कि छोटी संख्या का चयन करिए तो आप इसमें आसानी से कर पाएंगे। कह रहा है कि दी गई संख्याओं में छोटी संख्या के उच्चतम स्थानीय मान में पूर्णांकित करें, प्रश्न के अनुसार पूर्णांक संख्या को जोड़ें या घटाएं। इसमें क्या करना है आपको, 7, 2, 4 में से छोटा और बड़ा में आपको तब्दील करना है, उसके ज्ञात करना। आगे हम लोग देखेंगे उत्पाद का आकलन। उत्पाद का आकलन कैसे करना है, प्रत्येक कारक को उसके निकटतम अधिकतम मान तक पूर्णांकित करें, पूर्णांकित किए गए कारकों को गुणा करें। अब भागफल का गुण आकलन, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सब चार खानों में 5, 5, 5, एक डब्बे में कितना है 5 है, तो भाजक को भाजक के निकटतम गुणज में पूर्णांकित करें ताकि विभाजन आसान हो जाए। भागफल प्राप्त करने के लिए विभाजित करें, मैंने इस तरह से विभाजित करिए ताकि हमें भागफल आसानी से प्राप्त हो जाए। जैसे अगर आपके पास 16 होता तो क्या करेंगे, 4-4 लड्डू में डिवाइड कर देंगे। हमने ये देखा कि इसमें कितने हैं, 4, कितने हैं 4 लड्डू। हमने देखा कि भाजक को भाजक के निकटतम गुणज में पूर्णांकित करें ताकि विभाजन क्या हो जाए, आसान हो जाए। भागफल प्राप्त करने के लिए विभाजित करें, तो यहां पर ऐसे नियम जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। ये हो गया हमारा भाजक जिससे हम भाग देते हैं, और जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य हो गया, जो प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं, और अंत में क्या बचता है, शेषफल। तो हमने देखा इसमें भाजक 5 है, भाज्य 562 है, भागफल 112 आया है, शेषफल कितना आया है, 2 आया। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, अगर हम इस भाजक का गुणा भागफल में कर दें, भाजक गुणे भागफल, और अंत में शेषफल को जोड़ दें, तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा क्या, भाज्य। इस प्रकार हम भाग का अपने जांच करते हैं, जिसके आधार पर हम जान पाते हैं हमारा भाग सही है अथवा गलत है। अब ये हम लोग भाग की सीरीज में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है और आपको समझना है। रोमन अंक प्रणाली उन प्रणाली में से एक है जिसमें संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम कुछ प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, माने संख्या को बताने के लिए हम कुछ प्रतीक चिन्हों का ही इस्तेमाल करते हैं। आइए उसे भी हम लोग समझते हैं, देखते हैं और आपके सेशन में इसे पढ़ते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, वैसे मुझे लगता है आपको समझ में आएगा जब सेशन को ध्यान से पढ़ेंगे। अब जैसे रोमन अंक है, आई होता है, आई का मतलब एक है, ये हो गया वी, इसका मतलब होता है 5। दूसरी तरफ एक्स का मतलब होता है 10। अगर आपको लिखना हो 6 तो क्या करते हैं, अगर यहां पे मैं 6 लिखना है तो जब 5 से ज्यादा होता तो हम ये जानते हैं हम इसको लिखेंगे 5+1। 5 का क्या हो गया वी और 1 का हो गया ये हो जाएगा वी। लेकिन अगर हमें 4 लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, अगर हमें 4 प्रदर्शित करना हुआ 4 तो इसको लिखेंगे 5-1, ये हो जाएगा वी माइनस आई, मतलब इसको लिख सकते हैं आई, ये हो गया 6। अब इसको और अच्छे समझने का प्रयास करें, ठीक, क्योंकि किसी भी सिंबल को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। रोमन अंक में हिंदू अरबी प्रणाली की संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए 7 प्रतीक है, इसमें कुल कितने प्रतीक हैं, 7 प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया गया है। आइए उन 7 प्रतीक चिन्हों को देखते हैं, पढ़ते और समझते हैं, इसे चाहे तो लिख लें चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लें। वैसे आप सभी लोग टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा और सर्च करेगा दुर्गेशर बिना स्पेस के, जैसे ही आप दुर्गेशर सर्च करेंगे ई-लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उससे आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन करके रखिएगा ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन वहां सबको मिलती रहे। अब हमने यहाँ पे देखा कि ये हो गया सिंबल और ये होगी वैल्यू, ये सिंबल है और ये उसकी वैल्यू है। अगर हम सिंबल की तरफ देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये आई है, आई का मतलब हमने क्या 1, बी का मतलब है 5, एक्स का मतलब है 10, एल का मतलब है 50, सी का मतलब है 100, डी का मतलब है 500 और यम का मतलब है 1000। तो
तो ये कितने सिंबल हो गए भाई, मुझे यहाँ पे बताना था इन सिंबलों की संख्या कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 7 सिंबल का प्रयोग क्या किया जाता है, रोमन पद्धति में अंक लिखते समय कुछ नियम का पालन करता होता है, वो हम लोग देखेंगे। अब आई वी एक्स एल सी डी एम, इसको रट लीजिएगा, आई का मतलब एक, आई वी एक्स एल सी डी एम, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500 और एम का मतलब होता है 1000, यहां पर आपको दिया गया है, आप चाहे इसके स्क्रीनशॉट रख लें। इसी से हम पूरे रोमन नंबर को बनाएंगे। इसको बनाने के लिए, रोमन अंक पढ़ने के लिए कुछ नियम होते हैं, उन्हें भी हमें जानना होगा, उन्हें भी हमें समझना होगा, तब हम इन रोमन अंकों को और आसानी से समझ पाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अब यहां पे हमने देखा, आपने भी देखा कि आप क्या रोमन अंक को पहचान पाते, क्या रोमन अंक को बना पाते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 32 को रोमन अंक में लिखिए तो क्या आप लिख पाएंगे, आइए देखते हैं। अच्छा, यहां पे जितना दिया उतना हम लोग पढ़ लेते हैं। रोमन अंक में एक प्रतीक की पुनरावृत्ति का अर्थ है, जो अगर किसी भी प्रतीक का पुनरावृत्ति होती है, जैसे एक आई के बाद एक आई लिखा जाता है, तो इसका मतलब उसमें जोड़ा जा रहा है, 2 हो गया, 3 बार किया जाए तो 3 हो गया, ठीक। पुनरावृत्ति होती है, इसका मतलब जोड़, एक प्रतीक को 3 बार से अधिक दोहराया नहीं जाता, लेकिन प्रतीक को वी एल और डी को कभी भी दोहराया नहीं जाता, याद ध्यान रखिए, काफी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसे एक प्रतीक को हम 3 बार से अधिक नहीं दोहरा सकते, मतलब जैसे आई आई आई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 बढ़ रहा है, इसका मतलब पुनरावृत्ति हो रही, मतलब योग, समझ में आ गया। यक्स है 1, 2, 3, इसकी वैल्यू 10 है तो 10 3 बार हो गया, 10, 10, 10, 10, कितना हो जाएगा 30। यहां पर एक बात और है, लेकिन हम वी एल डी, मतलब हम अगर ऐसा नहीं कर सकते, ये वी 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 मतलब इसको 150, ये नहीं लिखा जा सकता, ये नहीं लिखा जा सकता, माने वी एल और डी, ध्यान दीजिएगा, जिसका मान 5 के गुणज में है, मतलब 5 के गुणज में सभी एक तरह से आ जाएंगे, एक को छोड़ दिया जाए, केवल हम देखते हैं वी एल डी, इनकी किसी भी दशा में पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, बाकी को हम 3 बार लिख सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे 3 नियम लिख दिया तो रोमन नंबर क्या हो जाएगा, 1000, 1000, 1000, 3000। लेकिन यहां पर 3 एम नहीं लिखा जा सकता। यहां पर अगर डी की बात करें, 1D, 2D, 3D, अब इस डी का मतलब, सर 1D का मतलब 500 है, इसका मतलब ये 1500 हो गया, तो इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि रोमन अंक कहता है हम एल वी एल डी को हम किसी भी दशा में पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, कभी नहीं दोहरा जा सकता। यदि अधिक मान के बाईं और कम मान का अंक लिखा जाता है तो परिणामी मान उनके अंतर को ज्ञात करके प्राप्त करेंगे। अगर हम उसके बाईं तरफ छोटा अंक लिख दें तो उसका अंतर जो होगा वही इसका मान होता है, जैसे समझने का प्रयास करते हैं। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो, इसको मैं इरेज कर दें ताकि आपको समझा सके, इसको बैठा सके। अब देखो, अब यहां पे हमें करना क्या है, जैसे यहां पर एक्स है, इसकी वैल्यू क्या है, 10 है, ऊपर हमने बता दिया। अब अगर इसके बाईं तरफ हम आई लिख दिए, अब जब बाईं तरफ लिखेंगे इसका अंतर ज्ञात करना होगा, मानिए 10 में से एक गया, ये हो जाएगा 10-1, मतलब ये होगा हमारा 9, ये क्या हो गया, 9। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब एक बात और कह रहा है, यदि अधिक मूल्य के दाईं और कम मूल्य का अंतर लिखा जाता है तो परिणामी मूल्य क्या होता है, उसके योग ज्ञात करके प्राप्त किया जाता है। अगर हम दाईं तरफ लिख देते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, x है, हम इसको दाईं तरफ लिख देते, तो क्या हो जाएगा, 10+1 मतलब 11, तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। तो यही देख लीजिएगा 11 और 12 में डिफरेंस आपको मिलता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जैसे ये v है, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी बाईं तरफ हमने लिख दिया, ये तुम्हारे लिए, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5+3 मतलब 5+3, ये हो गया हमारा 8, ये क्या हो गया हमारा 8। तो क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, रोमन नंबर सबको समझ में आ गया, ठीक।
तीन बार ज्यादा हम पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। अब नौ लिखना होगा तो ये पांच हो गया, छह सात आठ नौ, ये गलत है, मतलब ये नौ गलत, ये नौ गलत, क्योंकि तीन अंक से ज्यादा पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। आगे है, प्रतीक VLD कभी भी अधिक मूल्य के प्रतीक के बाईं ओर नहीं लिखे जाते, मतलब ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये बाईं ओर नहीं लिखे जाते। दूसरे शब्दों में VLD को कभी भी घटाया नहीं जाता, ये भी ध्यान रखना होगा। मतलब ये है, जैसे यहां पे 10 है तो ये बाईं तरफ कभी नहीं लिखे जा सकते, जैसे यहां पे देख रहे हैं ना, ये किसी भी दशा में बाईं तरफ लेफ्ट साइड नहीं लिखे जा सकते, हमेशा राइट साइड लिखे। इसका मतलब ये नहीं है कि 10-5, इसका मतलब यहां पे वी जैसे एक्स है, इसके दाईं तरफ वी लिख देंगे, ये कितना हो जाएगा 10+5, मतलब ये यहां पर हमने देखा कि VLD कभी भी अधिक मूल्य के प्रतीक के बाईं ओर, अधिक मूल्य के बाईं तरफ नहीं होंगे, जब भी होंगे हम उसके दाईं तरफ ही लिखेंगे, कभी घटाया नहीं जा सकता। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी इन्हें घटा नहीं सकता, हमेशा इसके दाईं तरफ लिखा जाता है, बाईं तरफ हम कभी नहीं लिख सकते, और जब दाईं तरफ लिखेंगे तो जुड़ जाएगा। प्रतीक आई को केवल 5 और यक्स में से घटा जा सकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, जो हमारा एक होता है, जो हमारा आई होता है, वो हमेशा 5 और 10 माने वी और एक्स में से ही घटाया जा सकता है। जैसे अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने एल लिख दिया, इसमें से एक कम कर दिया, ये गलत, हम हमेशा एक को 5 और 10 में से ही घटाया जा सकता है। प्रतीक यक्स को केवल एल एम और सी में से घटाया जा सकता है, जो हमारा यक्स है वो एल सी यम में से ही घटाया जा सकता है, याद रखिएगा, इसमें से यक्स को केवल हम एल यम और सी में से घटा सकते हैं। चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट रख लें, चाहे हमारे साथ आप इसकी नोट्स भी बनाते चले। हमने देख लिया ना कि आई को 5 और 10 में से घटाया जा सकता है, यक्स को एल एम और सी में से घटाया जा सकता है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? अब कहेंगे सर यक्स को एल एम सी, देखिए एल एम सी, एल एम सी, यक्स को केवल इन्हीं में से घटाया जा सकता है, 50 में 10 घटा देंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक, एक्स को एल सी एम, एल सी एम में से ही घटाया जा सकता, मतलब अगर हम एल में अगर हम यक्स लगा दिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एल माने 50-10, इसकी वैल्यू कितनी होगी 4। ठीक, और हम अगर यहाँ पर यक्स एल, इसका मतलब क्या हो गया 41, क्या हो गया 41। ये था हमारा रोमन नंबर। अब यार रोमन नंबर को 1 से लेकर 20 तक यहां पे दिया गया है डायग्राम, आप इसे स्क्रीनशॉट के तौर पर चाहें तो लिख लें। आई माने 1, वी मतलब 5, एक्स मतलब 10, एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 लाइन खींच दिया 3 हो गया, अब 4, 5 में से घटा दिया तो 4 मिल गया, ये 5 वी हो गया, वी आई माने दाहिने तरफ जोड़ दिया तो 6 हो गया, 2 जोड़ दिया तो 7 हो गया, 8 माने 3 बार लिख दिया तो 8 हो गया, 3 बार ज्यादा पुनरावृत्ति हो नहीं सकती, 10 में से हमने आई घटा दिया 9 मिल गया, यक्स मतलब 10 हो गया, यक्स में 1 जोड़ दिया 11 हो गया, यक्स में 2 जोड़ दिया तो 12-13, 14 क्या किया, यक्स में से 4 घटा दिए, 4 तो हमने देख ही लिया था। ठीक, 15 माने यक्स भी हो गया, 16 में यक्स भी आई हो गया, 17-18-19-20 डबल एक्स माने 20। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट रख लेंगे, टेबल आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना, हाँ देखिए, हाँ सबको दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है तो मैं और बड़ा कर दूं, अब दिख रहा है, दिख रहा है ना। ठीक, कोष्टक की तरफ बढ़ते हैं। वैसे 1 से लेकर 100 तक की रोमन नंबर आप लिख कर दीजिएगा, टेलीग्राम पर इसमें मिल जाएगा, और आगे भी हम आपको बता देंगे रोमन नंबर 1 से लेकर 100 तक कैसे लिखें। कोष्टक वाले किसी व्यंजक को शक्ति से निम्नलिखित क्रम में लिख सकते हैं, बोध मास,
ब्रैकेट ऑर्डर डिवाइडेड मल्टीपल एडेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ बोधमास आपको याद रखना होगा, क्योंकि जब हम सरलीकरण करते हैं तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं, उसके बाद ऑर्डर, ठीक। और यहाँ पे इसको हम आप से भी याद करते हैं कई बार, ब्रैकेट आप डिवाइड मल्टीप्लाई एडेड सब्ट्रैक्ट, उसके बाद क्या करते हैं हम भाग करते हैं, उसके बाद हम भाग या गुणा में से जो पहले हम फिर गुणा करते हैं, भाग गुणा जोड़ जोड़ और अंत में घटाना, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कोष्टक का विभाजन गुणन योग घटाओ, मैंने का को पहले काट दे, ता करिएगा भाग, गुणा करे धन जोड़ लो, अंत में लियो घटा, ये हो गया। अब गुणनफल की बारी आती है, ये चीजें आपको याद रखना होगा कि गुणनफल में क्या होगा। जैसे ये दो में पांच का गुणा करेंगे तो दो क्या हो गया गुणे हो गया, दो क्या हो गया गुणे हो गया, और दो हो गया गुणा, जिससे गुणा किया जाता है, माने जिसका पहाड़ा पढ़ते हैं, जिसका टेबल पढ़ते हैं वो हमेशा गुणक होता है, जिसमें टेबल पढ़ते हैं वो हमेशा गुणे होता है। और यहाँ पे क्या हो गया दस जो आया है वो हो गया गुणनफल। तो गुणक का गुण में जब गुणा होता है तब हमें क्या प्राप्त होता है गुणनफल। अगर हम भिन्न की बात करें तो भिन्न संख्या जो पूर्ण किसी भाग को दर्शाती है, भिन्न को दो पूर्ण संख्याओं का भागफल, भिन्नों का एक उदाहरण अगर हम देखें, जैसे अगर हम देख लिए यहाँ पे चार बटे तीन लिखा, तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, माने इसमें चार अंश है, इसमें तीन हर है, कितना है तीन हर। इसको पढ़ते हैं चार बटा तीन, इसे पढ़ते हैं चार बटा तीन, ठीक है। यहाँ आपका क्लियर हो गया है, इसको ऐसे भी ले सकते थे हम, जैसे यहाँ पे था सात बटे ग्यारह, तो इसमें सात क्या है अंश और ग्यारह क्या है, इसमें एक बटा चार अंश हर अंश हर अंश हर अंश हर अंश हर अंश हर अंश, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, एक बटे आठ, एक बटे बारह, एक बटे छह, एक बटे तेईस, एक बटे दो, एक बटे पांच और एक बटे छह, अंश बटा हर, ये क्या हो गया हमारा अंश बटे हर। एग्जाम्पल आप बहुत सारे देख सकते हैं, एक एक को हम चार भागों में दर्शाते हैं, एक एक को हमने क्या किया चार भागों में दर्शा दिया, एक भाग को निकाल दिया गया, इसी को दूसरे शब्दों में कहेंगे एक बटे चार के काट कर निकाल दिया गया और तीन बटे चार के बचा। अब देखिए एक बटा चार के हमने क्या किया यहां से काट कर निकाल दिया, अब कितना बचा है एक दो तीन, तीन बटा चार के बचा है। ये भिन्न में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक भिन्न भी पढ़ेंगे, ऊपर जो पढ़ रहे हैं ये सब एक टॉपिक के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। वास्तविक मान के उचित अनुमान के संख्या का अनुमान कहा जाता है, जैसे वास्तविक मान के उचित अनुमान को संख्या का अनुमान कहा जाता है। अब संख्या संचालन के परिणाम का एक त्वरित मोटा अनुमान शामिल संख्याओं को पूर्णांकित करके किया जा सकता है, जैसे इसमें कितनी गोलियां हैं, एक अनुमान से बताइए कि कितनी गोलियां हो सकती है। सभी लोग जवाब दीजिएगा, जो लोग भी हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर कर दीजिए, अगर लोगों तक पहुंचा देंगे तो कर भला तो हो भला। अनुमान का नियम क्या है वो भी जान लेते हैं हम लोग, कि ऐसे ही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अभी हम लोगों ने निकटतम मान पढ़ा है तो उस निकटतम मान का हम लोग उपयोग करने जा, माने संख्या एक दो तीन चार जीरो, ध्यान दीजिएगा यहां से संख्या एक दो तीन चार जीरो और संख्या छह सात आठ नौ दस तक पूर्णांकित करके निकटतम दहाई तक संख्याओं का अनुमान लगा देते हैं, माने दहाई तक का अनुमान यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। केवल एक अंक की बात की जाए तो दहाई की तरफ बढ़ेंगे, इकाई है तो दहाई की तरफ, दहाई है तो सैकड़ा, सैकड़ा है तो हजार की तरफ, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने देख लिया था। संख्या 149 जीरो और संख्या 54 से 99 को 100 तक पूर्णांकित करके निकटतम सैकड़ा का अनुमान लगाया जाता है। जैसे ऊपर में एग्जाम्पल दो, जैसे 42 किसके निकटतम मान है, तो हमने देखा अगर इसके इकाई का अंक कितना है 2 और 4, तो हम क्या करेंगे इसका मतलब इसका जो निकटतम मान होगा वो होगा 4। लेकिन अगर यहीं पर मान लेते हैं 57 है, ये इकाई का अंक 7 है, तो 5 को क्या करेंगे, ये 5 बदल जाएगा 6। तो यहां पर हमने देखा
किस तरह से पूर्णांकित करके हम निकटतम दहाई संख्या का अनुमान लगाते हैं। हमने किसको किया, दहाई को ही कन्वर्ट किया। तो जब 6, 7, 8, 9, 10 है तो हम क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं, लेकिन यदि 0, 4, 3, 2, 1 है तो हम एक दहाई का अंक घटा देते हैं। सैकड़ा में सेम, अगर 1 से 49 तक है तो 0 और 51 से 99 तक है तो 100 तक पूर्णांकित करके निकटतम मान करते हैं। ठीक है, यदि 1 से लेकर 499 जीरो और संख्या 501 से 999 तक है 1000 तक पूर्णांकित करते हैं। वही है, एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। हजारों में संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान में आवश्यक सटीकता के लिए मात्रा का अनुमान लगाना शामिल है। हम आवश्यक सटीकता के आधार पर उपरोक्त नियमों को लागू कर सकते हैं। हम अनुमान के नियमों को लागू करके भी योग, अंतर और गुणा का अनुमान लगा सकते हैं। हम आवश्यक सटीकता के आधार पर उपरोक्त नियमों को लागू कर सकते हैं और कितनी जल्दी उत्तर का पता लगा सकता है ये भी हम कर सकते हैं। जैसे अभी 12 × 5 करना है, ठीक, तो हम ये जानते हैं ये 12 क्या है, 10 और 2 मिलकर बना है, तो 10 × 5 = 50 और 2 × 5 = 10 क्या हो जाएगा, 60। हम प्राय अपने मन में इस तरह का गुणा करते हैं तोड़कर, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन सी विधि है, लेकिन यहाँ पर हम सटीकता के आधार पर, हम अपने आधार पर चीजों को, तथ्य को पढ़ और जान सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अब किसी को कोई संशय हो, कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकता है, नहीं तो हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई संशय नहीं है किसी को, चलिए। अब भागफल, भाग डिवीजन जो है, गुणा करने की क्रिया की विपरीत क्रिया को हम भाग करना कहा जाता है। भाग को हम इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यहाँ बट के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये डिविजर है, क्वांटेंट है, ए डिवाइडेंड है। अब यहाँ पे देखिए 12 था डिवाइडेड बाई 3, इसको मैं ऐसे भी ले सकते हैं, ये 12 है और ये आपका, ठीक, इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12/3, तो हम इसे एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका, हम इसे तीन तरीका से लिख के सॉल्व कर सकते हैं। भाजक गणित में वह क्रिया है, भाग गणित में वह क्रिया है जिसमें दो संख्याओं का गुणनफल और इन संख्याओं में से एक में दिए गए रहने पर दूसरी संख्या की जा सकती है। देखिए ऊपर हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, अगर कोई एक संख्या इसमें से गायब है तो हम इसे, जिसे इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 12, ठीक। तो यहाँ भाजक है, यहाँ पे देखिए भाजक है, ये यहाँ पे टाइपिंग में एरर है, ये है भाजक। भाजक गणित वह क्रिया जिसमें दो संख्या गुणनफल है, इन संख्याओं में से एक में दिए गए रहने पर दूसरे को हम ज्ञात कर सकते हैं। गुणनफल को हम भाज्य कहते हैं, डिवाइडेड या न्यूमिनेटर के नाम से जानते हैं, जैसे हमारा हर हो जाता है, दी गई संख्या को हम भाजक कहते हैं। डिविजन डिनोमिनेटर, ऐसे न्यूमिनेटर ये हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, अंश और हद, ये न्यूमिनेटर का मतलब अंश हो गया और डिनोमिनेटर का मतलब होता है हद। भाज्य हो गया, भाग करते हम जिस संख्या में भाग दिया जाए तो उस संख्या को हम भाज्य कहते हैं, जैसे उसमें 12 था भाजक, भाग करते हम जिस संख्या से भाग देते हैं उस संख्या को हम भाजक कहते हैं। भागफल जो प्राप्त होता है शेषफल, ठीक, इसको समझने के लिए जैसे ये है 16 है, 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, 16 हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए, ये हमारा शेषफल हो जाएगा। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था शेषफल है, ये हमारा भागफल हो गया, ये हमारा भाज्य हो गया, ये हमारा भाजक हो गया, ठीक। अब इसका गुणा इसमें करके इसको हम जोड़ देंगे, इसको गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ठीक, भाग जब गुणे भागफल करेंगे और हम शेषफल को जोड़ देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, भाज्य मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए दिया एकदम साफ साफ, देखिए ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल और ये शेषफल। हमने क्या किया, भाजक को भाज्य से गुणा कर दिया, भाजक को भागफल से गुणा कर दिया, और जब हम इन दोनों को गुणा करके शेष को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1588 भाज्य प्राप्त हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम लोगों ने एनसीईआरटी का जो ये लेसन था इसे हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, समझ लिया। अब यहाँ से किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकता है, और साथ ही साथ आप
नोट्स में देकर कोई भी जानकारी चाहिए लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। मेरे द्वारा सभी क्लासेज आपके लिए निशुल्क देशित में राष्ट्रित में उपलब्ध है। लर्निंग विद दुर्गेश ऑफिस का नंबर जहां से मैं गेस्ट के रूप में जब भी मुझे समय मिलता है मैं आपके लिए क्लास लेकर आता हूं। इसके बाद हम इसका सलूशन लेकर आएंगे, जो एनसीईआरटी की सीरीज पढ़ रहे हैं इस सबका हम सलूशन लेकर करके लाएंगे, क्योंकि ऐसे वीडियोज काफी बड़े हो जाएंगे और समय काफी लंबा हो जाएगा। हम एक वीडियो में पहले एनसीईआरटी पूरा कवर करेंगे, फिर हम इसके दूसरे वीडियो में हम इसका सलूशन भी लेकर आएंगे। तो क्रमवार रूप से एक करके हम आगे चलते रहेंगे। और टेलीग्राम पर जो भी साथी अभी तक जुड़े हैं वो टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहेंगे, जहां पर सभी क्लासेज आपको निःशुल्क में मिलती रहेंगी। और अगर आप चाहते हैं एनसीईआरटी के सभी नोट्स आपको 6 से लेकर 12 तक की सलूशन आपको मिल जाए, तो आज ही लर्निंग विद दुर्गेश का प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, वहां पे आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। वैसे आपको गणित में आज क्या क्या चीजें समझ में आई, क्या चीजें समझ में नहीं आई, वो कमेंट करके हमें जवाब जरूर दीजिएगा। और वैसे आज का सेशन काफी एक गणित से आपका परिचय मैंने कराने का प्रयास किया, जो अध्याय था ये केवल गणित से आपको इंट्रोड्यूस कराया, केवल आपको परिचय कराया। आगे के सेशन में आगे की सीरीज में हम इसके और अध्याय पर अन्य अध्याय पर भी फोकस करेंगे। एक वीडियो में कोशिश करेंगे एक लेक्चर लाने का, फिर अगला में हम सोल्यूशन लेकर आएंगे, ताकि हम सेशन भी पढ़ते रहे और साथ में इसका सोल्यूशन भी पढ़ते रहे। फिलहाल आपके कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट करिएगा, वीडियो को जहां जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, और आप इसे किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा काम है लोगों तक पहुंचे कर भला तो भला, क्योंकि राष्ट्रहित में देशहित में निःशुल्क शिक्षा आपके लिए भी जरूरी होती है, और हम भी चाहते हैं आप इस सेशन में जुड़े और पूरी मेहनत तो पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ें। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी, जहाँ पे कोई सवाल है, कोई टॉपिक समझ में ना हो कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। आपको कोई व्यक्तिगत सवाल है तो लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आशावी का थैंक यू, आभार। मिलते हैं एक नए सीरीज के साथ, एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शेयर जरूर करिएगा, जहाँ भी इसको भी देख रहे हैं लोगों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि भला करेंगे आपका भी भला होगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा।